हेलो, आज हम खेल कूद के बारे में सीखने वाले हैं। तो आखिर खेल कूद क्या है और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? विभिन्न प्रकार के खेल या व्यायाम को खेल कूद माना जाता है। हम में से ज्यादातर लोग खेल कूद के शारीरिक लाभ जानते हैं, लेकिन क्या आप खेल कूद के मानसिक लाभ भी जानते हैं? जब आप बहुत से लोगों के साथ एक खेल खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट, क्या आपने देखा है क्या होता है? एक साथ खेल खेलने से दोस्ती बढ़ती है, एकता बढ़ती है और हम टीम वर्क की भावना सीखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी यह कहा है। हमारे देश की विविधता के पीछे छिपी एकता इन खेलों में भी देखी जा सकती है। खेल न केवल उत्तम व्यायाम है, इससे चुस्ती और स्फूर्ति आती है, मन प्रसन्न होता है और मन तेज हो जाता है। खेल से आगे बढ़ने की भावना का विकास होता है। जो बच्चे खेल कूद में भाग नहीं लेते हैं, वह चिड़चिड़े और सुस्त हो जाते हैं। तरह तरह के खेल खेलने से हम में खेल भावना का विकास होता है। खेल हमें मित्रतापूर्ण और अनुकूल बना देता है। जब हम खेलते हैं, हमें जो यूनिक क्वालिटीज होती है, हम उन्हें फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे जो शर्मीले स्वभाव के होते हैं, लेकिन खेलते समय बहुत ही चंचल हो जाते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं। बड़े जो गंभीर से दिखते हैं, खेलते समय उनमें जो एक बच्चा छिपा होता है, वो बाहर आता है। पारंपरिक खेल कुछ इस तरह से बने हैं कि शारीरिक क्षमता के साथ साथ वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग, एकाग्रता, सजगता, स्फूर्ति को भी बढ़ावा देते हैं। क्या आपने देखा है कि बाहर खेलने के बाद आप बहुत थकान महसूस करते हैं? जब हम बाहर खेलते हैं तो हम थक जाते हैं और इस तरह यह हमारी नींद में सुधार करता है और हमें अच्छी नींद आती है। क्या आपको पता है कि खेल कूद करने से हम और शांत हो जाते हैं? हमारा मन खुश और शांत हो जाता है और इसीलिए हम छोटी छोटी चीज़ों से गुस्सा नहीं होते हैं और उदास नहीं होते हैं। हम थोड़ा और समझदार भी बन जाते हैं। और खेल सिर्फ खेल नहीं होते हैं, वो जीवन के मूल्यों को सिखाते हैं। खेल हमें लक्ष्य तय करना, दृढ़ता कैसे हासिल करना, टीम स्पिरिट कैसे पैदा करना, परस्पर सहयोग कैसे करना सिखाता है। खेल हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी मदद करता है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरपर्सनल स्किल्स के इंप्रूवमेंट के लिए भी हमारे जो परंपरागत खेल थे उसका आजकल उपयोग हो रहा है और बड़ी आसानी से ओवरऑल डेवलपमेंट में हमारे खेल काम आ रहे हैं। और फिर इन खेलों को खेलने की कोई उम्र तो है ही नहीं, बच्चों से लेकर के दादा दादी नाना नानी जब सब खेलते हैं तो ये जो कहते हैं ना जनरेशन गैप, अरे वो भी छू मंतर हो जाता है। तो हमने आज सीखा है कि खेल न केवल मजेदार है, परंतु हमारे मानसिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन हमें 1 घंटे के लिए खेलकूद करना चाहिए। खेलकूद के बाद हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए और हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो चलो क्यों ना हम अब मेडिटेशन कर ले। मेडिटेशन हमारे मन को शांत करता है। अपने आंख बंद कर दीजिए और एक लंबी सांस लीजिए, नाक से अंदर और मुंह से बाहर। कुछ समय के बाद आप आराम महसूस करेंगे। मैं चाहूंगी कि आप कल्पना करें और सोचें कि आप और आपका मन एक बड़ा प्यारा सा
तालाब है। इस तालाब के अंदर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मछलियां तैर रही है। यह मछलियां आपकी भावनाएं हैं। तालाब के अंदर एक खुश मछली, एक उदास मछली, एक नींद भरी मछली, एक उत्तेजित मछली, एक गुस्सा मछली, एक चिंतित मछली, एक चंचल मछली, एक शांत मछली, एक दयालु मछली और एक स्वार्थी मछली है। इतनी सारी मछलियाँ, इतनी सारी भावनाएं तालाब के अंदर तैर रही है। कल्पना कीजिए कि आप तालाब है, तालाब बन जाइए। तालाब बनना अद्भुत है। आप अपनी सभी विभिन्न भावनाओं को तैरते हुए देख सकते हो। हर भावना का इस तालाब में स्वागत है। इन भावनाओं के साथ कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तालाब बनिए, सिर्फ इन मछलियों को देखिए, अपने भावनाओं को देखिए, उन सब को स्वीकार करें। याद रखिए, अपने आप को तालाब बनाइए। कभी कभी इन भावनाओं को, इन मछलियों को सिर्फ तैरते हुए देखना मुश्किल हो जाता है, और तालाब बनने के बजाय हम कभी कभी मछलियों में से एक बन जाते हैं, जैसे कि गुस्सा मछली। और इसके होने के बाद हम कभी कभार बिना जाने हमारे परिवार या दोस्तों का दिल तोड़ देते हैं। अगर हम खेलकूद करते हैं और उसके बाद मेडिटेशन भी करते हैं तो हम तालाब रहते हैं, ना कि कोई एक मछली। और ऐसे हम खुद को और दूसरों को भी खुश रखते हैं। अपनी आंखें खोल दीजिए। हमारे मन के अंदर इतनी सारी भावनाएं हैं, जैसे कि तालाब के अंदर इतनी सारी मछलियां हैं। हमें बस यह याद रखना है कि हम तालाब है, ना कि सिर्फ एक मछली या सिर्फ एक भावना।